पूर्व ऐसा विचार हुआ था कि सारे देश में महिला समाज से जुड़े हुए प्रश्नों का भी एक व्यापक अध्ययन किया जाए। एक योजक नाम की संस्था ने आगे पहल करने का तय किया था और अपने विविध संगठनों में जो महिलाएं काम करती हैं उन्होंने उनका सहयोग किया। 2 वर्ष बड़ा एक व्यापक अध्ययन हुआ है, जनजातीय क्षेत्र के अंदर महिला, अनुसूचित जमात समाज के अंदर महिला, कामकाजी महिलाएं, महिला जो छात्रा युवा जो युवतियां जो नई लड़कियां जो पढ़ने के लिए छात्रा जो छात्रावासों में रहती हैं, कामकाजी महिलाओं के प्रश्न, ऐसे सब विषयों के बारे में, घरों में रहने वाली घरेलू महिलाओं के प्रश्न, ऐसा एक बहुत बड़ा एक व्यापक और महिला समाज के प्रश्नों का एक अध्ययन किया है और उसका भी एक रिपोर्ट यहाँ पर सबके सामने रखा जाएगा। देश के अंदर महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनके प्रश्न और फिर इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण, निर्णयों में भागीदारी, उनका स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, ऐसे उनका विकास, समग्र विकास उनका, ऐसे सब विषयों में सब संगठन क्या क्या कर सकते हैं, किस ढंग से विचार किया जा सकता है, तो ऐसा एक विचार इस बार महिला समाज के प्रश्नों का भी एक यहाँ पर होने वाला है। अभी वो योजक नाम की संस्था इस मास में वो रिपोर्ट पब्लिकली भी जारी करने वाली है सितंबर मास में, तो वो यहाँ पर एक बार सबके सामने रखेंगे और उसको लेकर देश के प्रमुख संगठनों के कार्यकर्ता भी उसके आधार पर और अपने अपने संगठनों में क्या विचार कर सकते हैं, ऐसी एक चर्चा वहां पर ये रहने वाली है। पार्टिसिपेट लगभग इतना है, हर संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री, सामान्यता ऐसा किसी भी संगठन के 3-4 से लेकर 7-8 तक, 5-6 तक कार्यकर्ता, ये प्रमुख लोग रहेंगे। अपने विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जस्टिस वीएस कोकजे, कार्यकारी अध्यक्ष श्री आलोक जी, उसके महामंत्री मिलिंद जी परंडे, स्वदेशी जागरण मंच के अध्यक्ष अरुण ओझा जी, भारतीय मजदूर संघ के साजी नारायण जी, वनवासी कल्याण आश्रम के श्री जगदेव राम जी उरांव, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा, उनके अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री बीएल संतोष जी, महामंत्री राम माधव जी, 3-4 कार्यकर्ता और ऐसे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता अपने अपने संगठनों के, वैसे सब संगठनों के ही कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में ये प्रमुख रहते हैं, ये सब भी भागीदार होने वाले हैं। लेकिन बैठक जो है ओनली फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस, ऐसा अपना बैठक का स्वरूप रहता है। क्या क्या विषय बैठक में रहने वाले हैं, तो पिछली बार मंत्रालय में आंध्र प्रदेश में ये बैठक हुई थी, लगभग यही तिथियां थी, सितंबर के पहले सप्ताह में आमतौर पर बैठक ये रहती है, तो उस समय 3 विषय ऐसे आए थे कि जिन विषयों पर साल भर सब संगठन अपने अपने यहां कुछ प्रयास करेंगे, ऐसा उस समय विचार हुआ था। एक विषय ऐसा था वो पर्यावरण का और जल संकट का था। सारे देश के अंदर और दुनिया में भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर चिंता बढ़ रही है और जल का संकट भी बढ़ रहा है, तो इसके बारे में सब संगठन अपने अपने क्षेत्र में जागरण, प्रबोधन, कुछ प्रयोग ये सब करें। कुछ ने प्रारंभ भी किए थे, थोड़ी चर्चा वहां भी आई थी, वर्ष भर भी सबने ये सब किया। युवाओं में काम करना, ये विशेषकर नई पीढ़ी आगे आए सब संगठनों में और बड़ी मात्रा में नया तरुण काम से जुड़े, ऐसा एक दूसरा थ्रस्ट का पॉइंट था। और एक विषय सबके ध्यान में आता है, समाज में जब घूमते हैं तो हमारे ध्यान में सबके आता है कि संस्कारों का दृढ़ीकरण, ये एक बड़ी आवश्यकता है। धीरे धीरे करके परिवार छोटे हो रहे हैं, पहले जैसे सामूहिक परिवार ना होने के कारण से और समाज जीवन की व्यवस्थाएं बदलने के कारण से भी, तो बाल, किशोर, युवा, परिवार व्यवस्था, तो ये सब भी एक संस्कारों का दृढ़ीकरण, ये बड़ी आवश्यकता है। तो ऐसे 3 विषयों पर पिछले साल विशेष चर्चा अपनी बैठक में हुई थी और इस बार उसको लेकर साल भर अपने अपने संगठनों में क्या किया,
उसके प्रयास, उस प्रयासों के अनुभव, समीक्षा, ऐसा एक अनुभवों का आदान प्रदान, ये इस बैठक के अंदर एक विषय आने वाला है। और परम पूज्य सरसंघ चालक जी, माननीय सरकार एवं संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी, वो कार्यकर्ता भी यहाँ पर पूरा समय हैं, जिन और सब विषयों पर चर्चा होगी उन सारे विषयों पर और आज के वर्तमान जो भी विषय हमारे मन में होंगे उसको लेकर उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो अपना 9 तारीख को इसी समय दोपहर को अपने माननीय सह सरकार दत्तात्रेय जी होस बोले उस अपनी इस और पत्रकार वार्ता में रहेंगे, बैठक की सारी जानकारी भी देंगे और बैठक की जानकारी के साथ साथ उस समय अपने सब प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। मैंने आपके सामने सारी बैठक में क्या क्या हुआ उसकी भी जानकारी देंगे और वर्तमान को लेकर आपके मन में जितने प्रश्न होंगे वो अधिकृत रूप से उसका उत्तर देंगे। अभी आज ऐसा मान सकते हैं कि ये कर्टन रेजर है, एक प्रकार से प्रेस की ब्रीफिंग है, 3 दिन की बैठक में क्या होने वाला है इसको लेकर मैं आपको थोड़ी जानकारी और ये दूंगा। संघ के स्वयंसेवक लगभग 35 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं, समाज जीवन के हर क्षेत्र में काम करते हैं और जितने संगठन हैं वो सब संगठन उनके कार्य क्षेत्र भी अलग अलग हैं और उन संगठनों की अपनी अपने संविधान, व्यवस्थाएं, रचनाएं हैं, उनकी निर्णय लेने की अपनी पद्धति भी रहती है। सब संगठन स्वायत्त है तो फिर एकत्र क्यों आना? तो पहली बात तो हम सबके मन में यह स्पष्ट रहना चाहिए कि ये निर्णय लेने वाली कोई बैठक नहीं है, ये निर्णय लेने का फोरम भी नहीं है, क्योंकि हर संगठन के निर्णय अपने 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 फोरम पर होते हैं। इनके अखिल भारतीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री, महामंत्री देश भर में घूमते हैं, समाज में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, उनके अनुभव रहते हैं, आकलन रहते हैं, दे आर हैविंग देयर ओन एक्सपोजर्स एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे सब लोग वर्ष में एक बार इकट्ठे आए और अनुभवों को साझा करें, अपने जो आकलन है उनको साझा करें और एक दूसरे को हम अपने अपने अनुभवों से और लाभान्वित करें, एनरिच करें, ऐसी कल्पना को लेकर अपनी ये बैठक रखी। 200 के लगभग इस बैठक में प्रस्ताव पारित नहीं होते हैं। हमारे प्रस्ताव जो है वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जब अपनी होती है उसके अंदर पारित होते हैं और बाकी सब संगठन अपने अपने संगठनों में सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अपने अपने संगठन की नीति और उसके आधार पर प्रस्ताव पारित करते हैं। यहाँ कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा। मैंने बताया ना कि वर्तमान प्रश्नों पर अगर किसी को लगेगा कोई यहाँ पर विषय कोई प्रतिनिधि चर्चा करेगा आयोजन प्रतिभागियों में से तो उस पर चर्चा होगी। जो मुख्य विषय चर्चा के हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो पहले से प्रस्तावित है, पिछले वर्ष के सारे ये अनुभव, इसके अलावा बहुत सारे अपने अनुभवों को अपने अपने यहाँ जो संगठनों में प्रयोग वगैरह होते हैं उसको भी सब लोग बताते हैं। 2-3 सत्र उसके अंदर भी रहते हैं, कुछ विशेष प्रयास करते हैं लोग विस्तार के लिए, कार्यकर्ताओं के दृढ़ीकरण के लिए, तो उसके लिए भी समय रहता है। हाँ, मंत्री कोई नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनली उनके कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश जी नड्डा, उनके जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री और महामंत्री, ऐसे 5-6-7 कार्यकर्ता रहते हैं, नहीं सरकार का प्रतिनिधि नहीं है। देश की सीमा बड़ा विषय है आपका, तो अभी क्या मानना है संघ का, अभी सुरक्षित है या नहीं है या क्या वर्तमान स्थिति? ऐसा होता है कि सीमाएं उनके प्रति हमेशा जागरूक रहना ही होता है। जब किसी भी विषय पर विचार होता है तो आज हम कहां खड़े हैं उससे हमको आगे कैसे बढ़ना है, वो ये कहे कि हमेशा के लिए कोई रहता है ऐसा नहीं रहता, तो वो उसके बारे में एक सतत चिंतन करना पड़ता है। जैसे मान लो पिछली बार हमने युवाओं पर विचार किया, युवा नहीं है इसलिए नहीं, तो थोड़ा युवाओं में चिंतन करना चाहिए। समाज में परिवर्तन आता रहता है उसको ध्यान में रखकर, तो सीमा जागरण के लोग सीमा की स्थिति बताएंगे, उसके बाद सब लोग उसको लेकर चर्चा करेंगे, तो वो ऐसा विचार। वैसे तो अखिल भारतीय स्तर की है लेकिन राजस्थान को लेकर, राजस्थान को लेकर अलग से नहीं चर्चा हो, वो हमारे यहाँ फिर कह रहा था हर प्रांत क्षेत्र के लोग अपने अपने उसके लेकर चर्चा करते हैं। राजस्थान को लेकर जैसे अखिल भारतीय स्तर पर चिंतन होगा
तो उसमें राजस्थान भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं होता। एक दो छत्र मुक्त रहते हैं, उसमें जिसको लगता है कि इस विषय पर भी डिस्कशन होना चाहिए वो करेंगे। वैसे राष्ट्रीय परिदृश्य पे चिंतन की बात अगर आती है तो कुछ बड़े मुद्दे, जैसे राम मंदिर मुद्दा मेरे साथी लगातार आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन 370 की बात आती है, उसके साथ साथ तिरुपति जो बालाजी है वहां को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन भी शुरू किया, तो क्या ये सारे मुद्दे इस बैठक में कहीं चर्चा का होता है? कि 3 दिन की बैठक एक समय की सीमा रहती है जी, उस समय की सीमा को ध्यान में रखकर मैंने बताया कि एक दो सत्र मुक्त रहते हैं, उस समय जो उन विषयों की चर्चा होने की आवश्यकता है वो होगी, और इन विषयों के ऊपर संघ का अधिकृत मत क्या है कुछ बताना होगा तो वो दत्ता जी बताएंगे भी। दो ही दिन बाद की बात है, मान लो आप जम्मू कश्मीर पर कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं, राम मंदिर पूछना चाहते हैं, उस दिन वो आपको उत्तर देंगे ना सारे वो, और बैठक में जो और विषय आएंगे उनके बारे में भी वो बताएंगे। एक बार चर्चा करने का तय हुआ है, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो सीमाओं पर निर्भर है, अगर सीमाएं सुरक्षित है तो फिर वो राष्ट्र सुरक्षित है, और अभी जिस प्रकार से दुनिया का वातावरण बदल रहा है बड़ी तेजी से, तो समुद्री सीमाओं चाहे जमीनी सीमा, इन सीमाओं के बारे में हमको विचार करने की आवश्यकता है। तो इस बार एक विषय जो विशेष चर्चा का रहने वाला है वो है सीमा पर सब संगठन क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। वैसे दो संगठन सीमा पर पहले से काम करते हैं, जमीनी सीमा पर सीमा जागरण के नाम से और समुद्री सीमा पर सागर भारती के नाम से, लेकिन हर संगठन की एक भूमिका होती है, उसके बारे में विद्यार्थी परिषद वो भी सोचे, उसके बारे में आरोग्य भारती वो भी विचार करें, तो वहां का रहने वाला समाज कैसे जागरूक हो, संस्कारित हो, उनके जो समस्याएं प्रश्न है उनका समाधान हो, और शासन प्रशासन समाज आपस का संपर्क संबंध बने, ये सारा विषय भी एक विचार करने का है। तो इसमें सब संगठनों की भी अपनी अपनी एक भूमिका रहने वाली है, तो ऐसा इस बार एक विशेष चिंतन देश की सीमाओं का और समुद्री सीमा का भी और जमीनी सीमा का भी दोनों का ये करने वाले हैं, ऐसा भी एक इस वर्ष की बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है।